मैम, आज जो है राजभवन के बाहर जो है कांग्रेस पहुंची है, यहां से क्या जो है कांग्रेस कहना चाहती है? देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो ये स्त्री के दबाव डाला जा रहा है और इस तरीके से एक माहौल जो पूरे देश में और प्रदेश में खड़ा हुआ है, उसके आंदोलन में आज हम यहां पर राजभवन पहुंचे हैं और हम अपनी आवाज को नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस तरीके का दुर्व्यवहार करके हमारे जो सीनियर लीडर है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। हमारे सीनियर लीडर पी चिदम्बरम जी, जिनके ऊपर उन्होंने कल लाठी चार्ज भी की, उनको घायल भी किया, और उसी तरह से हमारे जो वेणुगोपाल जी है, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, हालांकि वो शुगर पेशेंट है, उनको कैसे घसीट घसीट के ले जाया जा रहा था, इससे हम सभी बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है कि इस तरीके का व्यवहार करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने न कभी ऐसा देखा न कभी ऐसा सुना, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अवश्य इन बातों पर इंटरवीन करें, इसमें देखा जाए कि क्या सच्चाई है, और इस तरीके से एक तानाशाही की तरह ये इनका जो बिहेवियर है उसमें उनको लगाम लगानी होगी और जनता की आवाज को सुनना होगा। अब हर रोज आपने ऐलान किया कि अब प्रदर्शन होंगे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। जी, ये इतना ही तक सीमित नहीं है, जब तक हमको न्याय नहीं दिया जाएगा हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मैम, आपने कहा डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खतरा है, क्या लगता है जिस तरह से मोदी ने आते ही कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो उसकी ओर जो है वो भाजपा बढ़ रही है? ये आपको दिख ही रहा है, सारा देश जानता है। जो एक चुनकर व्यक्ति आता है उसको भी ये ऐसा शो करते हैं कि नहीं, हम कितने इन्होंने टैक्टिक्स लगा दे, कितनी इन्होंने एजेंसियां लगा दी, कितना इन्होंने ऐसा कार्य कर दिया, जहां पर हमारी बनती बनती सरकार को इन्होंने पीछे करके अपने लोगों से उसमें विजय दिलाकर उसमें ये दर्शाया कि हम एक एक करके एक एक स्टेट को जीतते जा रहे हैं। और ये तो कह ही रहे हैं नरेंद्र मोदी कि हम कांग्रेस मुक्त देश को करना चाहते हैं। इस तरीके से एक वो पार्टी जिसने देश का प्रदेश का निर्माण किया है और जो जहां आज हम खड़े हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस नेतृत्व का है, और इस तरीके से बात करना, इस तरीके से कहना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक, थैंक यू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आपने पूछना दिल्ली के अलावा एक मिनट धक्का मत दो। कुलदीप जी, माहौल देखा जाए दिल्ली की, अगर बात करें दिल्ली में किस तरह की हालत है और सारे देश में जो इस तरह से कांग्रेस सड़कों पे उतरी है? देखिए, मैं अभी दिल्ली से पहुंचा हूं, दो दिन में दिल्ली था, मैंने दिल्ली में जो मंजर देखा है उससे बहुत ज्यादा जो है। काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
चलो बढ़ते भी चलो करते भी चलो बढ़ते भी चलो छा जाए ना बहुत।